सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो ITR है। तो जिस भाई ने अपना ITR फिल कर रखा है और उसका प्रोसेस भी हो गया ITR, लेकिन उसका पैसा है वो रिफ़ंड नहीं आया है, तो इसी के लिए तो इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा बनाया हूँ, तो थोड़ा स्पीडली इसको बनाया, तो आप देखते जाइएगा जल्द जल्दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास इस तरीके का एक मेल आया होगा, आपने जब चेक किया होगा इनकम टैक्स में कि आपका प्रोसेस हो गया है, तो आपके पास एक मेल भी आया होगा, तो मेल में उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं बताऊँगा, इसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, मैं सेकंड पेज ओपन करता हूँ। तो इसमें आप चेक करेंगे, पूरे मेल को पढ़ेंगे, तो उसमें नीचे लिखा होगा ऑप्शन द क्लेम ऑफ रिफंड इज़ करेक्ट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, मतलब इस तरीके से ये आएगा। तो इसमें एक नीचे लिखा हुआ है, नीचे लास्ट में अगर आप देखेंगे टू सबमिट द रिस्पॉन्स, तो आपको क्या करना है, इस मेल को आने के बाद में रिस्पॉन्स सबमिट रिस्पॉन्स वाला जो मेल आएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, ITR को लॉगिन करना है। पूरी प्रोसेस बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है सबमिट द रिस्पॉन्स प्लीज़ लॉगिन इनटू फिलिंग पोर्टल, पेंडिंग एक्शन में जाएं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन उसमें जाके आपको रिस्पॉन्स करना है। उसके बाद में आपको क्या है, पैसा रिफंड होने के लिए प्रोसेस हो जाएगा। अभी तो आप ITR प्रोसेस में आया है, फिर रिफंड की कार्रवाई आपकी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना अपना, उसमें जाके आपको टाइप करना ITR लॉगिन। इसके बाद फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने पैन कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर, इसमें पासवर्ड अपने डाल देना है और इसमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू पर जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद में आपको सबसे पहले चेक करना है कि मेरा प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसका ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, व्यू फील्ड रिटर्न में जाना है। तो इसमें जाके आपको चेक करना है, तो अभी जो मेरा ITR है वो तो पहले से ही प्रोसेस नहीं हो रखा है, ठीक है, लेकिन जिस भाई का ITR प्रोसेस हो रखा होगा उसकी आगे वाली ये जो सक्सेसफुली ई वेरीफाई के ऊपर एक लाइन और बढ़ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ITR प्रोसेस। तो अगर इतना लिखा हुआ आ रहा है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उस मेल के अनुसार आपको इसी थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग एक्शन इसके ऊपर टैप करना है, वर्क लिस्ट पर जाना है, इसके ऊपर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा फॉर योर एक्शन। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना प्रोसेस होने के बाद भी पैसा रिफंड कर सकते हो। तो इसमें फॉर योर एक्शन वाले यहाँ पर ऑप्शन में एक नोटिफिकेशन शो करेगा, तो मैं उसकी आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, इस तरीके से आपके पास सामने आएगा, ये देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, इस तरीके का दिखेगा इसमें सबमिट रिस्पॉन्स फॉर रिफंड ये वाला। तो नीचे जो इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है सबमिट रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएगा ये वाला। तो इसमें दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, द क्लेम ऑफ रिफंड टू करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो इस पर टिक मार्क कर देना आपको, तो उसके बाद में सबमिट रिस्पॉन्स वाले पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे करेंगे तो आपको सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका ITR प्रोसेस होने के बाद में आपका जो पैसा है रिफंड होने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसमें अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे तो अगर आपने सोच रखा है कि मैं इसको रिवाइज करूँगा या आपने रिवाइज कर दिया है तो सेकंड वाला चूज करना है, नहीं तो फर्स्ट वाला चूज करना है। फर्स्ट वाला चूज करते ही फिर आपका पैसा बैंक लगता है, क्योंकि मैंने जब वापस लिया 2021 में जब क्लेम किया था तो इस ऑप्शन के बाद में 6 से 7 दिन के भीतर मेरा पैसा आ गया था, लेकिन इसमें लग सकता है टाइम 10 से 15 दिन भी लग सकता है, गवर्नमेंट वर्क है
थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना जो ITR अगर आपका प्रोसेस हो गया है तो उसके बाद में अपना पैसा अगर रिफंड नहीं हुआ आपका तो उस बार इस तरीके से रिफंड करवा सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।